सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण कपूर और ये 6 वीक मस्कुलर मैस की फिफ्थ मील है, चिकन सैंडविच मील। तो आज हम बनाते हुए ही बात करेंगे चिकन। जैसे कि ये रहा दिख रहा हो तो आपको वीडियो खुद ही बनानी पड़ रही है आज। तो 120 से 150 ग्राम तक आपको चिकन लेना है। तो चिकन मैंने कट कर रखा है, इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगा मैं, क्योंकि मैंने अपनी थर्ड मील में, किनवा वाली मील में, आपको बताया नहीं था कि आपको किस तरह से बनाना है चिकन। तो चिकन जीरा मैं डाल देता हूँ, आपको अपने हिसाब से डालना है। डाल दिया। तो ये जिंजर गार्लिक और ब्लैक पेपर का मेरे पे ये है पाउडर है, ये आपको शॉप पे मिल जाएगा, आप जाइए। तो थोड़ा सा गला भी ख़राब है तो इसे मिक्सअप करना है इस तरह से। ये वैसे 300 ग्राम है चिकन मेरे पास इस वक्त। अनियन एंड टमाटो मैंने कट करके रख रखे हैं ये रे। इसमें आप स्पिनिच भी डाल सकते हो, वो ऑल्टरनेटिव में है, मैं डालता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए बताया नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कि आप स्पिनिच भी डाल सकते हो उसके अंदर। तो 6 वीक मस्कुलर मैस का या 6 वीक मस्कुलर मैस का जो ये प्रोग्राम है, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ये हाई कार्ब मील के हिसाब से है। लो कार्ब मील में आपको ये 4 सैंडविच है, होल व्हीट लेनी है, होल व्हीट सैंडविच आपको लेनी है, होल व्हीट ब्रेड। तो ये जो सैंडविच है, ये आपको 4 स्लाइस लेनी है। तो ये हाई कार्ब मील के हिसाब से है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बना रहा हूँ। सारी मील मेरी हाई कार्ब मील के हिसाब से ही है। लो कार्ब मील में आपको जैसे ये 4 सैंडविच है, 4 ब्रेड है, तो आपको 2 ब्रेड लेनी है लो कार्ब में, और 0 कार्ब में आपको सैंडविच खाने ही नहीं है, क्योंकि 0 कार्ब में मीन्स 0 कार्ब है ही नहीं उस दिन। उस दिन आपका फैट, फैट में हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, फैट में हम कर रहे हैं वॉलनट, अखरोट, कितने 4 पूरे, गिरी नहीं, साबुत की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मस्कुलर मैस की मील है इस वक्त, मैंने सोचा बनाते हुए आपको बता दूं हर चीज़। और अच्छे से फॉलो करना यार 6 वीक मस्कुलर मैस के प्रोग्राम को। और एक चीज़ और कि ये चिकन हो चुका है यार, तो फॉइल पेपर लगा रखा है मैंने, ये आपको दिख रहा हो, तो ये फॉइल पेपर मैंने लगा रखा है इसमें, क्योंकि चिकन में से पानी निकलता है। तो मैं स्विच दबा दिया है मैंने। अनियन टमाटो मैंने कट करके रख रखे हैं ये रे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर चीज़ डाल रखी है कि लो कार्ब मील में क्या लेना है आपको, हाई कार्ब मील में क्या लेना है, और 0 कार्ब मील में आपको क्या लेना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप देख लेना, कोई भी दिक्कत हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरी वीडियो पे आप नीचे कमेंट में लिख देना कोई भी परेशानी हो। पर ये प्रोग्राम आपको फॉलो करना है, आप रिजल्ट चाहते हो अपने अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी। तो चिकन सैंडविच बहुत ही टेस्टी मील है, मज़ा आ जाएगा खाने में। तो मैं रख देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, मैं वेजिटेरियन लोगों की बात करूँ, तो उन्हें यहाँ पे प्रोटीन लेना है, और चिकन सैंडविच की जगह आपको वेजिटेबल सैंडविच मींस अनियन टमाटो और कुकुम्बर, खीरा और स्पिनिच ऑल्टरनेटिव है, डाल सकते हो आप, मर्जी है आपकी, तो वो लेना है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें प्रोटीन लेना पड़ेगा। और 0 कार्ब वाले दिन मैं आपको बताऊं, 0 कार्ब वाले दिन आपको प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हर मील में 30 से 35 ग्राम तक हमें प्रोटीन लेना है। तो जैसे कि चिकन सैंडविच है, जैसे कि ब्रेड में भी 2 से 3 ग्राम तक प्रोटीन है, तो जब आप 0 कार्ब वाले दिन आप ये तो खाओगे नहीं, तो सिर्फ प्रोटीन और फैट होगा, तो उस दिन थोड़ा प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देना हर मील में। मैं हर मील की बात कर रहा हूँ, इस मील की नहीं, हर मील की। जैसे कि आपने वीडियो देखी, कल मैंने वीडियो डाली थी किन्वा वाली मील, तो किन्वा में भी आपको हाफ स्कूप की जगह 1 स्कूप करना पड़ेगा, राइट? और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, 1 स्कूप लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऐसे ही ओट्स, सुबह सुबह जो वेजिटेरियन है, ओट्स, ओट्स में भी आप हाफ स्कूप डाल सकते हो, 1 स्कूप। तो 1 स्कूप
हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आपको डालना है ओट्स वाली मील में, प्री वर्कआउट वाली मील में। और फैट मत लेना यार जिम से पहले और जिम के बाद, फैट नहीं लेते, इस बात का आप ध्यान रखना। ये 6 वीक मस्कुलर मैस का प्रोग्राम है, इसे कंप्लीट करने के लिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप चलते रहो, गारंटी है आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। बहुत ही मेहनत से बनाया है ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए, जिससे आपके रिजल्ट जल्दी जल्दी आए, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि रिजल्ट जल्दी आए, तो जल्दी के लिए यार, जल्दी के लिए मील बाय मील लेनी पड़ती है, क्योंकि आपकी 3 घंटे बाद आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में जा रही होती है। ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइमिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक मील ले ली सुबह 11 बजे, एक मील ले ली 4 बजे, तो वो कभी कभार ठीक है, आप बिजी शेड्यूल है, अपना बिजनेस है, अपना वर्क है, तो यार कमा रहे हैं तभी तो खा रहे हैं, तो इतना करना पड़ता है। पर कोशिश यही रहेगी कि हर 3 घंटे में, हर 2.5 घंटे में आप मील लेना स्टार्ट कर दो। ये 6 वीक मस्कुलर मैस के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको ये सब थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो चिकन है, चिकन डालूंगा, अनियन डालूंगा, टमाटो डालूंगा, फिर इसे दोबारा से रखूंगा। बहुत ही टेस्टी मील है, यम्मी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि यार जो लोग जिम करते हैं वो सूखा खाना खाते हैं, सूखा टेस्टी नहीं है। सच बात बोलूँ, मुझे अपनी हर एक मील में मज़ा आता है। मैं जब बाहर का खाना खाता हूँ, चाहे कभी भी मेरा चीट डे होता है तो मैं पिज्ज़ा खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, तो मज़ा तो आता है, पर जो डाइट में जो मज़ा है वो अब पिज़्ज़ा विज़ा में नहीं है। तो चिकन बिल्कुल रेडी है, हो चुका है बिल्कुल, मैं निकाल लेता हूँ। तो निकाल लिया मैंने चिकन, जीरा आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा तो मैं साइड भी रहता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओहो मज़ा आ गया, चिकन जीरा आपको दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ, जीरा बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आएगा। क्योंकि जिंजर गार्लिक और ब्लैक पेपर का जो पेस्ट है जो हमने इसमें डाला है वो, और ऐसे ही थोड़ा गर्म है तो कैंची से कट कर लेना, ये नहीं कि चक्कू से लगे हुए हो, गर्म है हाथ भी जल जाएगा। अपना ये लेना, कैंची से ऐसे कट कर लेना इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बना के। गर्म है बहुत ज़्यादा, तो ये जो है चिकन सैंडविच मील, ये बहुत ही टेस्टी है और यम्मी है, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। और इसके अंदर आपको जो भी चाहिए, सारे अमीनो एसिड, मैक्रोस एंड माइक्रोस जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ इस मील में है। कार्बोहाइड्रेट है, पोटेशियम है, फाइबर है, हाई प्रोटीन है, तो बिल्कुल परेशान मत होना कि रिजल्ट नहीं आएंगे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। इस तरह से मैंने आपकी ये मील बाय मील बनाई है कि जिससे आपके जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, क्योंकि 6 वीक का ही प्रोग्राम है, जैसे कि आपको पता है कि 6 वीक में रिजल्ट चाहिए। तो मोटिवेशन के साथ एक्सरसाइज करनी है, परेशान मत होना कि रिजल्ट नहीं आएंगे, अपना अपनी फॉर्म बिल्कुल सही रखना, फॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फॉर्म गलत जाएगी तो फिर आपके रिजल्ट थोड़े से चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि जैसे कि डाइट ज़रूरी होती है, ऐसे ही वर्कआउट भी, वर्कआउट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, मैं आपको बताऊं। तो ये लोगों ने मिथ बना रखा है कि डाइट 70% है, डाइट है, साथ ही साथ आपका वो भी है, वर्कआउट भी ज़रूरी है। चिकन गिर गया यार, उठा लूँ, रख दूँ साइड। तो ये रहा, इस तरह से अनियन टमाटो आपको रखना है, दिख रहा हो तो। एक टमाटो यहाँ रख दिया मैंने, एक टमाटो यहाँ, अनियन क्रॉस कर दिया मतलब, और ऐसे ये ब्रेड रख दी, तो ये मैं ऐसे यहाँ रख देता हूँ। चिकन गिर गया दोबारा, स्विच दबा दिया। तो ये 5th मील है चिकन सैंडविच मील, इसके साथ हम फैट में लेंगे अखरोट 4। तो ये हाई कार्ब मील के हिसाब से है, लो कार्ब मील में आप जहाँ ये 4 स्लाइस है वहाँ आपको 2 स्लाइस लेनी है, और जहाँ आपका 0 कार्ब डे होगा, फ्राइडे को 0 कार्ब डे है, तो उस दिन आपको ये खाना ही नहीं है, उस दिन सिर्फ आपको प्रोटीन और हेल्दी फैट लेना है। तो
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर देना, लाल से बटन साइड में बिल्कुल फ्री है, मोटिवेशन के साथ एक्सरसाइज करनी है, परेशान मत होना, सारे मैक्रोज माइक्रोज जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो सब कुछ इस सारी जो आपकी 5 to 6 मील है इस मस्कुलर 6 week मस्कुलर मैस के प्रोग्राम में सब कुछ है, बस एक्सरसाइज करना, फॉर्म सही रखना, वेट ज़्यादा मत उठाना, क्योंकि वेट आपकी डाइट आपसे पिक कराएगी ऑटोमेटिकली। जब आप डाइट मील बाय मील लोगे हर वीक तो आपकी जो एनर्जी है आपकी स्ट्रेंथ है ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, तो परेशान मत होना। इसे जो मोटे लोग हैं जो पतले लोग हैं सब लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये मस्कुलर मैस का ही प्रोग्राम मैंने बनाया है। तो बाय गाइस, लव यू।